बताइए, यहाँ से पावर स्टार पवन सिंह लड़ रहे हैं, आप ही के जिला के, उनके बारे में क्या कहिए? पावर स्टार जी को भाजपा ने मौका दिया था आसनसोल से, उनको वहीं पर अपना भाग आजमाइश करना चाहिए थे। ये समाज को बांटने के लिए, एनडीए के वोटरों को दिग्मरोहित करने के लिए इन्होंने आरजेडी कहने पर वोट कटवा के रूप में इनको आरा काराकाट बक्सर सभी जो जितने सीट बचे हुए पड़े, इसलिए इनको आरजेडी चुनाव लड़ा रही है आरजेडी कहने पर, न कि एनडीए के। राजपूत समाज का उनके तरफ झुकाव है, काफी भीड़ लग रही है उनके। देखिए, राजपूत समाज हो चाहे कोई भी नवसुखी लोग हैं, जो 15 साल से लेकर 18 के नीचे लोग लड़का सब है, इस तरह भी पवन सिंह भी कहीं रुकते हैं तो फोटो खिंचाने के लिए आते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा मतलब हम भाजपा का वोट देंगे, भाजपा के तरफ से ही खड़ा है, उन्हीं को हम प्योर भाजपा ही है। पवन सिंह आने से कोई हम को अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, देंगे। और ये जो नया बंदर आ गया है, मचा रहा है बर्बाद करने के लिए। आप क्या कहिएगा पावर स्टार पवन सिंह के बारे में? अरे वो भाई पहले में स्टार है, पहले में जाना चाहिए। लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, उससे हमको मतलब अपना अपना मत है, कोई किसी को दे कोई किसी को दे, लेकिन हमको चाहिए विकास के लिए। हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, मोदी जी को, उनके अनुसार हम उनकी पार्टी को देंगे और किसी को नहीं देंगे। नमस्कार कीजिए स्वीकार। इस वक्त हम काराकाट लोकसभा में हैं और इस वक्त हमारे साथ आरा जिला के हरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर यहां से एक तरफ से एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो इंडिया गठबंधन से राजा राम सिंह हैं और निर्दलीय प्रत्याशी पावर स्टार के नाम से मशहूर गायक पवन सिंह हैं, तो इसी को लेकर आज हम जानेंगे। जी बताइए, यहाँ से पावर स्टार पवन सिंह लड़ रहे हैं, आप ही के जिला के, उनके बारे में क्या कहिए? पावर स्टार जी को भाजपा ने मौका दिया था आसनसोल से, उनको वहीं पर अपना भाग आजमाइश करना चाहिए थे। ये समाज को बांटने के लिए, एनडीए के वोटरों को दिग्मरोहित करने के लिए इन्होंने आरजेडी कहने पर वोट कटवा के रूप में इनको इस्तेमाल कर रही है। इनका असर आरा काराकाट बक्सर सभी जो जितने सीट बचे हुए पड़े, इसलिए इनको आरजेडी चुनाव लड़ा रही है आरजेडी कहने पर, न कि एनडीए के कहने पर। समाज और हम लोग और हमारे जो जो लोग साथी हैं, समाज के लोग हैं, एनडीए के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जैसे ये समय नजदीक आएगा सारे लोग एकत्रित उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हो जाएंगे और इनकी इनको वोट देकर 2-3 लाख वोटों से जिताने का काम करेंगे। मैं यहाँ से पवन सिंह लड़ रहे हैं, क्या राजपूत समाज का उनके तरफ झुकाव है? काफी भीड़ लग रही है उनके। देखिए, राजपूत समाज हो चाहे कोई भी नवसुखी लोग हैं, जो 15 साल से लेकर 18 के नीचे लोग लड़का सब है, इस तरह भी पवन सिंह भी कहीं रुकते हैं तो फोटो खिंचाने के लोग आते रहते हैं, उस पर उसका असर वोट पर नहीं पड़ेगा। जनता समझदार है, जनता खासकर जिस वर्ग से आते हैं, राजपूत समाज के आते हैं, एनडीए का समर्थक है, हमारे समाज के लोगों को, एनडीए सुवर्ण जातियों को नरेंद्र मोदी ने 10% आरक्षण देने का काम किया है, सारे लोग जानते हैं हम इनको वोट देना है। इसलिए पवन सिंह को छोड़कर सारे लोग समय आने पर उपेंद्र कुशवाहा मदद करेगा और भारी मत जिताने का प्रयास करेंगे। इतना ही करके भारी को बधाई देता हूँ। जय एनडीए। मतलब हम भाजपा का वोट देंगे, भाजपा के तरफ से ही खड़ा है, उन्हीं को हम प्योर भाजपा ही है। पवन सिंह आने से कोई हमको अंतर नहीं है, पवन सिंह आने से कोई हमको अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। भारी बंदर जी को एकदम भारी से भारी मत जिताएंगे, देंगे। और ये जो नया बंदर आ गया है, ये मचा रहा है बर्बाद करने के लिए। उपेंद्र जी जीते विकास उपेंद्र जी फैले में स्टार है, फैले में काम करना चाहिए। आप क्या कहिएगा पावर स्टार पवन सिंह के बारे में? अरे वो भाई पहले में स्टार है, पहले में जाना चाहिए, वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं? हम लोग वोट नहीं मिलेगा। क्या पवन सिंह लड़ रहा है, जो राजपूत समाज के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, उससे हमको मतलब अपना अपना मत है, कोई किसी को दे कोई किसी को दे, लेकिन हमको चाहिए विकास के लिए। हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, मोदी जी को, उनके अनुसार हम उनकी पार्टी को देंगे और किसी को नहीं देंगे। उन्हीं के पक्ष में है ये भी उपेंद्र कुशवाहा जी, इसलिए उनको हम वोट देंगे।
ये है और आप देख लिए लोगों की प्रतिक्रिया, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।